नारायण 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 ओ नारायण 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 ओ इंद्रो वृद्धशवा स्वतिना पूका स्वतिनतारक्षो अरिचनेमि स्वतिनो बृहस्पतिर्दधातु कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पशे धर्जो अर्जो चतुमच्चनी जदेगा
बैठ जा जो खड़े हैं पुरसा शुक्र मुच्चरता सचे गुरुपादुकाभ्य नमः परेभ्य परपादुकाभ्य आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्य नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्य ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः ओम यदायुष्यं चिरं देवा सप्तकल्पान्त जीवेशो दधुसेनायुषा युक्ता जीवेम शरदा शतम् दीर्घा नागा नगा नद्यो नन्ता सप्ताणवादिश अनन्तेनायुषा तेन जीवेम शरदा शतम् सत्यानि पञ्चभूतानि विनाशरहितानि च अविनाश्यायुषा तद्वज्जीवेम शरदा शतम् शतम् जीवन्तु भवन्तः संयुक्तं वन्निना योजितं मया दीपं ग्राण देवे सत्रे लोके तिमिरापहम् हरिओम। क्या हाल चाल है इंदौर के लाला लालियां, क्या हाल चाल है
अभी तो रेलगाड़ी में बैठूंगा आज तुम्हारे सभी के निकट से दर्शन करूंगा और सत्संग भी करूंगा। अभी 72वां दिया बड़ा जला दिया हमने, 71 दिए सब साधक जला रहे हैं, जितने वर्ष पूरे हुए हैं शांति, जितने वर्ष पूरे हुए जो भी ज्ञान शांति भक्ति था, आने वाला वर्ष उससे भी ज्यादा भगवान के तरफ समता के तरफ आत्मवैभव के तरफ बढ़े, इसीलिए जन्म दिवस मनाया जाता है। तो एक होता है जन्म साधारण जीवों का, जन्म किसको बोलते हैं, जो अव्यक्त है छुपा हुआ है वो प्रकट हुआ उसको जन्म बोलते हैं, और अवतरण किसको बोलते हैं, जो ऊपर से नीचे आए, जैसे राष्ट्रपति अपना पद से नीचे आए स्टेनोग्राफर को मदद रूप हो जाए, उनके साथ मिलके काम करे कराए, उसको बोलते अवतरण। और अवतरण जन्म प्रागट्य इन सब की अपनी अपनी व्याख्या है, लेकिन हमको क्या फायदा, हम ये व्याख्या समझेंगे विचारेंगे तो हम अपने कर्म बंधन से देह के अहम से दुख के तादात्म्य से और सुख के भ्रम से हम पार हो जाएंगे। भगवान की जयंती, महापुरुषों का अवतरण दिवस अथवा अपना जन्म दिवस, इसके पीछे एक लौकिक कर्म देखते हुए भी आदि दैविक उन्नति छुपी है। और कोई संत महात्मा के हाजिरी में ये होता है तो आध्यात्मिक उन्नति का प्रागट्य होता है। जैसे कुछ लोग केक काटते हैं, मोमबत्ती फूंकते हैं और लाखों लाखों बैक्टीरिया थूकते हैं, हैप्पी बर्थडे करते हैं, ये भी जन्मदिवस मनाने का पाश्चात्य तरीका है। लेकिन हमारे भारत ने इस बात को अस्वीकार कर दिया कि हमारा जीवन अंधकार में से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए है। अंधकारमय कई योनियों से हम भटकते हुए आए, अब आत्म प्रकाश में जिए। तो तमसो मा ज्योतिर्गमया, हम अंधकार से प्रकाश के तरफ जाएं। लेकिन वो जो दिए जले होते हैं मेणबत्तियां, वो तो प्रकाश को अंधकारमय करना और बासी अन्न का काट कूट करना, फूंकते थूकते और फिर बांटना, या छी 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 वमन आ जाए, अगर बुद्धिमत्ता हो तो वमन आ जाए केक खाने वाले को देख के, क्योंकि जो फूंकता है ना, फूंक में लाखों लाखों बैक्टीरिया थूकता है। तो ये भी जन्मदिवस लोग मनाते हैं। खैर अब उस अंध परंपरा की थोड़ी कमी हुई है, सजगता आई है, लेकिन अभी भी कहीं करते हैं। जन्मदिवस मनाने के पीछे उद्देश्य होना चाहिए कि आज तक के जीवन में जो हमने अपने तन के द्वारा सेवा कार्य किया, मन के द्वारा स्मरण किया और बुद्धि के द्वारा ज्ञान प्रकाश पाया, उससे अगले साल अपने ज्ञान में परमात्मा तत्व के प्रकाश को हम बढ़ाएंगे, सेवा की व्यापकता को बढ़ाएंगे और भगवत प्रीति को बढ़ाएंगे। ये तीन चीजें हो गई तो आपको उन्नत होने में ये आपका जन्मदिवस बड़ी सहायता करेगा। लेकिन जन्मदिवस किसी का है झूम शराबी झूम बराबर झूम, पेग पिए और क्लबों में गए तो ये सत्यानाश दिवस साबित हो जाता है। तो आदि भौतिक शरीर है, आदि दैविक मन बुद्धि अहम है और अध्यात्म तत्व इन दोनों से परे है, उसको जानने वाला है। भगवान कृष्ण कृपा करके अपना अनुभव बताते हैं, जन्म कर्म च मैं दिव्यम,
कैलाश जी सुन रहे, कैलाश मल सुन रहे हैं, कैलाश मल उनके आसपास वाले थोड़े साइड हो जा, दिखने चाहिए। हाँ, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति माम तत्वता। अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, ऐसा जो जानता है उसके भी जन्म और कर्म दिव्य हो जाते हैं, और वो मुझे मिलता है, ऐसे मिलता है जैसे दो सरोवरों के बीच की पहाड़ हट जाती है कोई गैर कानूनी ढंग से नहीं बैठेगा। तो जैसे दो सरोवरों की पाड़ टूट जाए तो कौन से सरोवर का कौन सा पानी ये पृथक करना संभव नहीं रहता। ऐसे ही जीव का जीवत्व छूट जाए और ईश्वर का अपना ईश्वरत्व बाधित हो जाए तो वास्तविक में दोनों में एक परब्रह्म परमात्मा लहरा रहा था, लहरा रहा है, लहराता रहेगा। आद्य शंकराचार्य ने कहा, ताली नहीं बजाना, आद्य शंकराचार्य भगवान ने कहा कि अगर जीव नहीं है, जगत नहीं है, तो ईश्वर ईश्वर किस बात का है। एक व्यक्ति आया, बोले तुम क्या करते हो? बोले मैं हेडमास्टर हूं। तो तुम्हारे हाथ नीचे मास्टर कितने हैं? बोले एक भी नहीं। बच्चे कितने हैं? बोले सब चले गए, चार हैं। तो तू हेड काय कर रहा? जब तेरे नीचे मास्टर नहीं है तो तू हेड मास्टर नहीं रहा, और पढ़ने के लिए अगर तेरे पास बच्चे नहीं तो तू मास्टर नहीं रहा। ऐसे ही जीव नहीं है, जगत नहीं है, तो ईश्वर ईश्वर भी नहीं रहा। जयराम जी बोलना पड़ेगा। तो ये जीव और जगत और ईश्वर, तो जीव जो अव्यक्त है, अप्रगट है, वो प्रगट होता है तो उसका जन्म होता है, और प्रगति हुई चीज फिर विसर्जित होती है, होने को जाती तो मृत्यु होता है। जैसे शरीर मर गया तो इसको शमशान में जलाने को ले जाएंगे, तो जलीय अंश जल में चला जाएगा, वायु का अंश वायु में, अग्नि का अंश अग्नि में, पृथ्वी तत्व का अंश कुछ राख बच जाएगी, हड्डियां, तो अव्यक्त हो गया तो मृत्यु हो गई, और कहीं फिर जन्म हुआ, व्यक्त हुआ तो जन्म। तो अव्यक्त होना, विसर्जित होना को मृत्यु कहा, और विसर्जित में सुसर्जित होना इसको जन्म कहा। ये जन्म और मृत्यु की परंपरा ध्यान से सुनना, बहुत ऊंचा फायदा लेना है। ये आपने जो कुछ आयोजन किया, मेरे को पता नहीं था कि गाड़ी में जाते समय रास्ते में रोकेंगे, और गाड़ी में बैठते समय भी मुझे पता नहीं था कि मेरी गाड़ी को दुल्हन के नहीं सजाएंगे। मैं तो अपने आप में गुरु प्रसाद में ऐसा सजा हूं कि ये तुम्हारी सजावटें तुम्हारे लिए है, मेरे लिए तो बाबा वही है। नारायण हरि, नारायण हरि। तो जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति माम तत्वतः। तो भगवान का जन्म होता है करुणा परवश होकर, दयालुता से। भगवान करुणा करके आते हैं, तो भगवान का जन्म दिव्य हो गया, अवतरण हो गया। भगवान जो भी हमारे कष्ट मिटाने के लिए प्रेमा अवतार अथवा ज्ञान अवतार अथवा मर्यादा अवतार आदि होता है, तो वो हमारे नाई जीते, हंसते, रोते, खाते, खिलाते, सब करते हुए भी सम रहते, तो हमको उन्नत करने के लिए, उन्नत करने के लिए जो होता है वो अवतार होता है। और अपने कर्म बंधन से फंसे हुए जीव कहरा रहे हैं, वो निगुरे साधारण होते हैं, लेकिन कहराते हुए अपने सृष्टिकर्ता को पुकारते हैं, तो वो सृष्टिकर्ता जैसे दूध में सफेदी व्याप्त है, चकमक में आग व्याप्त है, तिल्लों में तेल व्याप्त है, ऐसे ही सृष्टिकर्ता अणु अणु परमाणुओं में व्याप्त परमेश्वर
जो का त्यों है सब में, लेकिन भक्त जब उन्हें पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वृत्ति आरूढ़ हो जाता है। सामान्य चैतन्य तो सब में जो का त्यों है, लेकिन जब भक्त प्रीतिपूर्वक भजता है अथवा आर्त भाव से भजता है, अर्थार्थी भाव से भजता है, जिज्ञासु भाव से भजता है, अथवा भगवान को जानकर भगवान से प्रीति पाकर ऐसे ही सहज में भजता है, तो चार प्रकार के भक्तों की भगवान ने महिमा गाई। आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर सभा उदारा एवे सर्वे ते, ये सब मेरे भक्त उदार है। बोले महाराज आर्त है, दुख मिटाने के लिए आपको पुकारता है, उदार कैसे हुआ? वो तो दुखी आ रहा है। बोले उदार इसलिए हुआ कि चोरी जारी दुराचार के द्वारा दुख नहीं मिटाना चाहता, लेकिन मेरी कृपा को बुलाकर निर्दुख होना चाहता है, इसलिए मेरे तरफ झुका है ना, मेरे को प्रेम करता है, ये उदार है। दुष्टों को मारने के लिए मुझे अवतार लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा शैशव काल यशोदा मैया का दुग्ध प्रेम भरी माता का, करुणा भरी माता का दुग्ध पान करना, शैशव काल किशोर काल गोपियों के और ग्वालों के बीच आनंदित आह्लादित होना, यौवन काल कर्म को योग, भक्ति को योग, ज्ञान को योग बनाकर वियोग से जो तड़फ रहे हैं संसार के तरफ उनको अपने तरफ ले आना, इसी का मेरा है। बाकी तो दुष्टों का दमन करना, तो आपस में दुष्ट दुष्ट की बुद्धि फेरा के लड़ा के मार दे, उन दुष्टों को तो बंदर भी मार देंगे, उन दुष्टों को तो ऋषि मुनियों का श्राप भी मार देगा, उन दुष्टों को तो अपनी बद परहेजी और अपना काम विकार एड्स की बीमारी के द्वारा मार के ले जाता है। फिर भी कहा गया है परित्राण है साधु नाम विनाशाय से दुष्कृता। तो इसका रहस्य है कि जो साधु स्वभाव के हैं, प्रेमी हैं, कठिनाइयों में पुकारते आर्त भाव से अथवा धन दौलत अथवा चुनाव के लिए मुझे पुकारते वो अर्थार्थी है, रोग कष्ट मुसीबत से दबकर पुकारते वो अर्थार्थी है, ये आर्त है, लेकिन कोई सफलता पाने के लिए पुकारते तो अर्थार्थी है, और मुझे पाने के लिए मेरी सेवा पूजा और पुकारते हैं तो जिज्ञासु है, लेकिन ये सब नहीं है। फिर भी जो मुझे प्यार करते हैं और मेरी व्याख्या करते हैं और मेरे तरफ दूसरों को लगाते हैं, ऐसा ज्ञानी तो मेरा आत्मा है। प्रियो ही में ज्ञानिनो इत्यर्थ, हे अर्जुन ज्ञानी महापुरुष में और मुझ में तू कोई अंतर करना चाहे तो मैं शरीर हूं और वो मेरा आत्मा है। भगवान का भगवानपना इसी से सिद्ध होता है। अब कैलाश विजयवर्गीय जी की मर्जी थी इधर ऐसे इलाके में सत्संग हो ये हो, अब कहीं मिलने जाए जिसके घर में, बोले क्या मुझे तो तुम्हारी जरूरत नहीं थी, लेकिन तुम्हारे बेटे या बेटी या घर में कोई तकलीफ है, वो तकलीफ सुनकर मैं तुम्हारे पर दया करने आया हूं, मैं तुम्हारे पे मेहरबानी करने आया हूं, तो ये कह सकेंगे? नहीं कह सकते। मुझे तो तुम्हारी जरूरत नहीं है, मेरे को तो वोट बैंक अच्छा है, रुपए पैसा भी अच्छा है, लेकिन तुम मेरे इलाके के हो इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं कृपा करने के लिए, ऐसा ये नहीं कह सकते। समझदार नेता तो नहीं कह सकते, तो भगवान कैसे कहेंगे कि मैं दया करके तुम्हारे पास आया हूं करुणा करके? वो कहते हैं यशोदा मैया का दूध पीने के लिए, मां की वात्सल्य स्नेह पाने के लिए मैं आया हूं, दया करने को नहीं आया हूं, गोप गोपियों के बीच आया हूं अथवा तो अयोध्या वासियों के बीच आया हूं तो उनकी कृपा और आनंद का आस्वादन करने को आया हूं, ये भगवान की भगवत्ता है, सुहृदता है। ऐसे ही संत महात्मा का, अब भगवान के जन्म कई प्रकार के होते हैं, जैसे नरसिंह अवतार, इसको आवेश अवतार कहते हैं, भक्त बहुत कष्ट में है और झेल रहा है, फिर भी भगवान की सत्ता चेतनता और आनंदता पे उसे पक्का भरोसा है, तो हिरण्यकश्यप कहता है कहां है तेरा सर्वव्यापक भगवान, खंभा तपवा दिया, अगर बोले सर्वत्र है तो ये तेरे बाप को आलिंगन कर,
और प्रहलाद कहते हैं कि भगवान आप तो सर्वत्र है, जो ही आलिंगन करते हैं अग्नि का जो तपाने का जलाने का धर्म है वो अग्निदेव अपना कुंठित कर देते और भगवान अपनी दया करुणा करके नरसिंह अवतार में प्रकट हो जाते हैं। इसको बोलते हैं आवेश अवतार। द्रौपदी देखती है भीष्म पितामह युधिष्ठर द्रोणाचार्य आदि बड़े बड़े महारथी हैं, फिर भी ये दुशासन दुर्योधन के कहने से मेरी साड़ी का पल्ला पकड़ चुका है, अब खींचेगा मेरा, यहां कोई नहीं। तो अपनी दैन्यता और भगवान की समर्थता समझ में आ गई। द्वारिकाधीश को खींचने लगा, द्वारकाधीश का प्रवेश अवतार हो गया। खींचता गया हाथियों का बल रखने वाला, वो फरकड़ी की नाई फिरती गई, भगवान का प्रवेश अवतार हुआ। ये सारा झंझट निपटने के बाद श्री कृष्ण से द्रौपदी ने उल्हावना देते हुए कहा कि मैंने आपको पुकारा और उस दुष्ट ने हाथ में साड़ी पकड़ ली और खींचना चालू किया, आप बाद में क्यों आए, इतना देर क्यों किया। बोले पगली, तू मुझे कहती कि हे अंतर्यामी तो मैं उसी समय प्रकट होता, तूने कहा द्वारका तो द्वारका गए और फिर आए, इसीलिए थोड़ी देर हो गई। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमते प्रकट होई में जाना। तो भगवान कहते उदारा एवेते, भाई आपके मैं घर आया है, ये आपकी कृपा है, आपके आकर्षण से आपके प्रेम से मैं आ गए, कोई सेवा हो तो बताइए। वो श्रेष्ठ नेता के लक्षण है। आप लोगों से मुझे लेना देना नहीं है, कोई काम हो तो बोल देना, होगा तो कर सकेंगे तो कर, होगा नहीं तो कुछ भी नहीं। तो उस नेता को वोट भी कौन देगा और स्नेह भी कौन करेगा। ऐसे नेताओं के नेता, वक्ताओं के वक्ता, हितेशियों के हितेशी भगवान कभी ये नहीं बोलते हैं कि मैं जीवों पर, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है और जीवों पर कृपा ही करता हूं। नहीं नहीं, भगवान बोलते उदारा एवेते, आर्त है मुझे पुकारता है तो वो उदार है, उसकी सज्जनता है जो मुझे पुकारता है, अर्थार्थी है उसकी सज्जनता है जो मेरे से मांगता है, जिज्ञासु है तो उसकी अपनी महिमा है, अपना बड़प्पन है जो मुझे जानने की जिज्ञासा करता है, और ज्ञानी, अरे बोले ज्ञानी तो महाराज क्या बताएं आपको, ज्ञानी तो मेरा स्वरूप है। राम भगत जग चार प्रकारा, चारों अनग उदारा, ज्ञानी प्रभ ही विशेष प्यारा, ये तुलसीदास जी ने व्याख्या की। तो भागवत में आता है कि सुखदेव जी महाराज का पूजन करते राजा परीक्षित बड़े आदर से, सोने की कठौती में चरण धोते, चंदन आदि लगाते, पत्र पुष्पम आरती आदि करके हाथ जोड़कर सामने प्रश्न पूछने के भाव से देखते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते राजन तुम्हें कुछ जिज्ञासा है। बोले जी महाराज आज्ञा हो तो प्रश्न करो, एक शालीनता है सामने वाले के हृदय में ईश्वरत्व का वैभव जगाने के लिए, शालीनता जरूरी। बोले महाराज मनुष्य को अपने जीवन काल में क्या करना चाहिए और मृत्यु अति निकट हो तो क्या करना चाहिए। सुखदेव जी प्रसन्न हो गए, परीक्षित तुमने जो प्रश्न पूछा है वो किसी एक वर्ग के लिए नहीं, एक व्यक्ति या एक समाज के लिए नहीं, समस्त जीवों के मंगल के लिए तुम्हारा प्रश्न है। प्रशंसा की, मनुष्य को जीवन काल में क्या जानना चाहिए, क्या करना चाहिए और मृत्यु निकट हो तो क्या करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज शांत हो गए अपने ब्रह्म स्वभाव में,
तस्मात राजन सर्वात्मना हरि अभिधीयते श्रोतव्य कीर्तितव्य से सुमृतव्यो भगवत निणाम। भगवान को मनुष्य को जीवन काल में अपने भगवान के स्वभाव का ज्ञान पा लेना चाहिए, भगवान तत्व का ज्ञान पा लेना चाहिए। आप बोलते भगवान शिव, भगवान कृष्ण, भगवान राम, वास्तविक भगवान क्या? भगवान जिसकी सत्ता से भरण पोषण होता है, जिसकी सत्ता से गमनागमन होता है, जिसकी सत्ता से वाणी स्फुरित होती है, और जो सत्ता ये सब मिटने के बाद भी हमारा साथ नहीं छोड़ती, वह भगवान है। ईश्वरो सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन सर्वभूतानी यंत्र रूढ़ानी माया। जैसे आप बाइक पर बैठते तो बाइक की स्पीड से जाते, प्लेन में बैठते तो उसकी स्पीड से, ऑटो में बैठते तो उसकी स्पीड से, ऐसे हैं तो आप चैतन्य भगवान के अमृत पुत्र हैं, लेकिन जिस साधन में जिस समय बैठते उस समय अपने को ऐसा ही मानते। मोटापा में बैठे बोले मैं फैटी हो गया, फैटी तो तेरा शरीर हुआ बेटे, तू वही का वही है। मैं दुखी हूँ, आप दुख में बैठे। मैं चिंतित हूँ, आप चिंता में बैठे। चिंता आती है चली जाती है, आप ज्यों के त्यों है। दुख आता है चला जाता है, आप ज्यों के त्यों है। बीमारी आती है चली जाती है, आप ज्यों के त्यों है। शैशव कैशोर्य अधेय और यौवन अवस्था आती चली जाती, आप ज्यों के त्यों है। इस बात का आपको पता चले इसलिए भगवान का अवतार और आपका जन्म दिवस की व्याख्या समझना और महापुरुषों के जन्म दिवस के निमित्त अपना ही जन्म और कर्म दिव्य बनाने के लिए कार्यक्रम होता है। हरि ओम 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 राम 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 राम। मैं सच पूछो तो घाटे का धंधा जानता ही नहीं, बहुत फायदे का धंधा करना जानता हूं। खूब फायदा हो, लागत कुछ ना हो, रिस्क कुछ भी ना हो, फायदा खूब हो, ऐसा धंधा जानता हूं। मैंने कभी अपना जन्मदिवस मनाने के लिए प्रयत्न नहीं किया, न कि प्रोत्साहित किया किसी को। मैं व्यासपीठ पे बोल रहा हूं, मैंने अपना जन्मदिवस मनाने के लिए या कोई कपड़े नए पहने हो, कोई विशेषता की हो, नहीं किया। ये आपने पहरा दिया। अभी अपना जन्मदिवस मैं मनाऊंगा तो नपातुला होगा, लेकिन मेरा प्यारे जब जन्मदिवस मनाते हैं तो पूरे भारत में नहीं, विदेशों में भी गरीबों की सेवा होती है, सत्संग होता है। अभी इस जन्मदिवस के निमित्त से लेकर देश भर में जो सुबह बेचारे घर से निकलते हैं रोटी और पतली सी दाल या जैसी तैसी सब्जी या तो चटनी लेकर, तो फुलके उनके ठंडे हो जाते हैं और जो कुछ भोजन है ठंडा हो जाता है, 12-1 बजे खाते, तो उनको होटकेस बांटते थे हम नपातुला। इस जन्म दिवस पर मैंने कह दिया कि पूरी समितियां ये करें, अहमदाबाद आश्रम उसमें सहयोग करे, तो आपके इंदौर फैक्ट्री में 30,000 होटकेस तो पहुंच गए होंगे अहमदाबाद, 30,000, लेकिन 300,000 अभी बनेंगे साल भर में, कि करोड़ बनेंगे और गरीबों के घर तक पहुंचेंगे। ये तो फायदे का काम हो गया ना। मैं जाके पहुंचाऊं तो मुझे तो थका देंगे, लेकिन मेरे प्यारे इस बहाने अस्पतालों में फल साहित्य, जेलों में सत्संस्कार के साहित्य को प्रसाद को वितरण करते, तो ये जन्मदिवस में अकेला एक जगह पे मनाऊं तो गिने गिनाए लोग उधर इकट्ठे होंगे, मैं नहीं मनाता। ये तो मैंने सत्संग के 3 दिन दिए, उसमें ये बीच में आ गया बेचारा और आपने उसको झेल लिया। जयराम जी की, ये आप बोलेंगे या अखबार वालों की सज्जनता है, लिखेंगे कि बापू का अवतरण दिवस ही है, बाकी मैं तो
22, 23 और 24 तीन दिन का सत्संग दिया हूँ और आपने ये धूमधड़ाका किया तो हम आपके साथ उदार आते। जब वो मांगने वालों को उदार करते तो देने वालों को उदार बोलना मेरे को क्या घाटा पड़ता है, फायदा ही फायदा है। नारायण हरि। तो सामान्य आदमी वासना के वेग से कर्म करता है, दुख के भय से डर के कर्म करता है, सुख की लालच से कर्म करता है, वो कर्तृत्व भाव से कर्म करता है। लेकिन भगवान और भगवत प्राप्त महापुरुष दूसरों के दुख निवृत्ति के लिए अपने द्वारा कर्म होने देते। भगवान और महापुरुष का स्वनिर्मित विनोद समाज का भला। सामान्य आदमी स्ववासना से प्रेरित और भगवान स्वकरुणा स्वनिर्मित विनोद से प्रेरित। मैया 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 मुको मुझे आ रही, कृष्ण कहते हैं यशोदा को। जब किशोर अवस्था में से आप यौवन में जाते तो मुझे उभरती है और उन दिनों में मुझे उभरने के दिनों में दिन में एक दो बार तो मुझे देखने बिना चैन भी नहीं पड़ता। क्या ख्याल है? तीन बार भी देखेंगे और कभी कभी स्याही से भी लंबी चौड़ी करेंगे, बोल सके रंग से भी रंगेंगे। ऐसा जिसने किया है वो हाथ ऊपर करो। मायों की तरफ नहीं देखता हूं, आदमियों की तरफ नहीं। हाथ ऊपर करते तो ये बात को समझे नहीं, या तो झूठ बूठ में बैठे। हमने भी किया, तुमने भी किया। श्री कृष्ण यशोदा को कहते, माँ मुझे आ रही, बोले मेरे लाला अब तुम युवक हुए, बुधवार की अष्टमी आ रही है। बुधवार की अष्टमी 10,000 गुना फल देती है शुभ कर्म का। रविवार की सप्तमी, मंगलवार की चतुर्थी, सोमवार की अमावस्या, ये कभी कभी तिथियां आती हैं, उनका फायदा उठाना। चाहे प्रमोशन के लिए उठाना हो, स्वास्थ्य के लिए उठाना हो, प्रभु पाने के लिए उठाना हो, इन तिथियों का फायदा उठाना चाहिए। यशोदा माँ ने कहा बुधवार की अष्टमी आ रही है, उस दिन तुमको किशोर में से गोप घोषित करेंगे। गायों का थोड़ा पूजन वूजन हो गया, फल वल खिला दिया, केले वेले आ रही। कृष्ण अब बछड़ियों को ले जाते, वो कृष्ण गायों को ले गए और छोटे छोटे बच्चों के बीच जाते। अब दबंगों के साथ गए, गए तो दबंग दबंग बना कर रहे थे, फलाने का लड़का ऐसा है, फलाने की गाय ऐसी है, फलाना ऐसा है वैसा है। अब आप किसी की निंदा करोगे तो न्यूरोपोपेटाइड और एलडीएल द्रव्य पैदा होता है, ये वैज्ञानिक भाषा है, और अपने शरीर में हानिकारक रस पैदा होते हैं, ये लौकिक भाषा है। आप निंदा करते उस समय आपका चेहरा बद्दा होने लगता है। क्या करें, इंदौर वाले तो सुबह से वहां बैठे थे, रात को 12-1 बजा देते, इतना व्यस्त कर दिया, अब देखो मेरा चेहरा बद्दा हो रहा है। लेकिन क्या इंदौर वाले हैं, कितना दूर दूर से आते हैं, कितनी श्रद्धा भक्ति, वाह वाह, तो चेहरा खिलता है। चेहरा खिलता भी है, मन भी खिलता है, बुद्धि भी खिलती है, सूझबूझ भी खिलती है। तो निंदा करने से सुनने से अपने को हानि हानि है, और प्रशंसा करते हैं तो अगर सावधान नहीं रहे तो जिसकी प्रशंसा करते हैं उस वस्तु व्यक्ति के प्रति राग पैदा होगा, राग तुमको गुलाम बनाएगा, और द्वेष या निंदा तुमको दुखी बनाएगा। तो गुलाम भी तो दूसरा ही दुख है। निंदा स्तुति आपकी आत्मिक शक्ति और समय को हरास करती है, इससे कुछ कला कौशल की सीखना चाहिए। तो तुम किसी की निंदा कर रहे हो, हाँ किसी महापुरुष की स्तुति करोगे तो उसके सद्गुण आएंगे, लेकिन और किसी ललना के और ललुआ की सुंदरता पर विचार करोगी, वो ऐसा है ये ऐसी है, कोलेजन टाइप निंदा स्तुति करोगे तो लवर लवरी की गंदगी में गिर पड़ोगे। श्री कृष्ण ने उस समाज को मोड़ने के लिए गोपों के बीच नजर डाली,
नन्हे गोपाए सबसे छोटे, अपने को कुछ कला सीखनी चाहिए। नृत्य भी एक कला है, गीत भी एक कला है, और परिस्थितियों में सिर्फ पसार होने की भी एक कला है। कृष्ण ने पहले अपने ऊपर ही बोझ डाला, अपने पर ही जिम्मेदारी लेकर आगे बढ़ना, ये उत्तम नेता का, उत्तम संत का और ईश्वर का स्वभाव है। आपको पता होगा कि प्रभावती ने जब श्री कृष्ण को फंसाने के लिए अपने घर में मक्खन रखा छीकों में, और बेटे को बोला जाओ कृष्ण को बोल के आओ, हमारे घर में वलोना हुआ है, मक्खन तैयार है। कृष्ण अपनी पार्टी लेके आए, देखा गया है तो प्रभावती का घर चालाक है, कहीं छुप के तो नहीं है, ठीक। फिर देखा के चारों तरफ घंटियां बंधी है, वो कोई आएंगे तो घंटी को छुएगी, घंटी बजेगी तो वो कहीं न कहीं अपनी सहेलों के साथ छुपी है आएगी। कृष्ण ने अपना ऑर्डर चलाया, हे शब्द ब्रह्म, मैं या तो मेरे गोप रस्सी को छुएं चाहे हिलाएं, आवाज न होना चाहिए, शब्द ब्रह्म स्थगित रहो। वो कूदे, घंटियां तो नहीं बजी, गोल बन गया उसके ऊपर दूसरे, उसके ऊपर आखिरी कृष्ण। आज तक तो मक्खन गोपों को, ग्वालों को, बंदरों को खिलाते, बाद में खुद खाते, लेकिन आज देखा कि ये प्रभावती है, बड़ी चालाक है, हो सकता है कि धतूरे के बीज रगड़ के डाल दिए हों, तो आज के दिन पहले मैं खाता हूं। तकलीफ आती है वहां उत्तम नेता आगे खुद होता है, उत्तम सेवक आगे खुद होता है, और भगवान का ये स्वभाव, संत का ये स्वभाव, और मौज मजा या यश होता है तो दूसरे को बांटता है। राम जी सफल हुए तो बोले वानरो तुम्हारे पुरुषार्थ से सब हुआ है, रावण बोलेगा मेरे दम बल पे हुआ है। तो असुर में और सुर में, संत में और भगवान में ये फर्क है। तो श्री कृष्ण ने जो ही मक्खन कलौंदा लिया और अपने होठों तक किया, तो इतने में सारी घंटियां बजने लग गई। हे शब्द ब्रह्म साकार हो जा, अवज्ञा क्यों किया? महाराज आप ही की आज्ञा है, उसी का पालन हो रहा है। मैंने कहा था आवाज नहीं होना चाहिए, बोले पुराण और शास्त्र भी आपकी आज्ञा है, और समय घंटी बजे चाहे न बजे ठाकुर जी के लिए, जब जगत जगदीश्वर स्वयं जीमते हो तो घंटी बजना ही चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि भगवान जीम रहे तो हमारा हिस्सा है। जयराम जी की, हमारे नेता जीते हैं तो हमारे यहां विकास का हिस्सा हमारा है, सीधी बात है। जब ठाकुर जी जीमते तो घंटी बजनी चाहिए, लेकिन वो प्रभावती आ गई, पकड़ लिया हाथ, बोले तू छोड़ दे, मेरे को छोड़ दे। प्रभावती भूल हो गई, बोले मैं बड़ी मुश्किल से कई रातें जगी हैं तुमको फंसाने के लिए। चल अब यशोदा मां बोलती, मेरा लाला भूखा थोड़ी तेरे घर आएगा, लेकिन देख रंगे होठ और रंगे हाथ तेरे को पकड़ लिया, चल मेरे साथ। घसीटती घसीटली ले जा रही, देखा कि चालाक है, इसके सामने चालाकी करनी पड़ेगी। उसका बेटा हाथ जोड़ता है, मां छोड़ दे, तू नहीं तो बुलाया था लाला को, बोला तू मेरे हाथ पकड़ ले, इसको छोड़ दे। अरे मैं तू चुप रहे, तेरा हाथ क्या पकड़ूंगी। कृष्ण ने देखा कि प्रभावती के ससुरे का खेत है, मुंह घुमा के प्रभावती देखा कि ससुराजी देख रहे, घूंघट खींच लिया, चली चार कदम। कृष्ण ने कहा देख तू मेरा हाथ, बाया हाथ नहीं छोड़ती, दर्द कर रहा है, तू बाया हाथ छोड़ दे, मेरा दाया हाथ पकड़ ले। प्रभावती ने ढीला छोड़ा, उसके बेटे का हाथ पकड़ा के छू हो गए। आए तो कर्म चालबाजी का, लेकिन दिव्य कर्म है। जन्म कर्म च मे दिव्यम, और गलियारे से यशोदा मां के कमरे में जाकर अपना जहां शयन करते, लेटने की लीला की, मैया मैया, लाला पुकार, बेटा क्या है? मैया मरे स्वप्ने में
प्रभावती दिखाई दे रही और बड़ी बड़ी आंखें दिखाती है। बेटा वो ऐसी है। इतने में प्रभावती ने दरवाजा खटखटाया। मैया मैया रंगे हाथ चोर पकड़ के मैं आई रही हूं, थारो कृष्ण देख ले काई काई करे मैया। मैया बोलती अरे कृष्ण तू तो इधर है। वो कृष्ण कृष्ण कर रही गई, दरवाजा खोला, वो तो घूंघट तना हुआ था। मैया मैं तेरे लाला कृष्ण को पकड़ के आई हूं, तू घूंघट तो देख किसको पकड़ के लाई है, वही तो खाता हो गया तेरा मक्खन। तो ये भगवान की लीलाएं अभी भी स्मरण करके हम आनंदित आह्लादित होते, तो उस समय कितना माहौल आनंदित आह्लादित हुआ होगा। ऐसे टोक भैया, नन्हे कन्हैया और लंबे चौड़े टोक भैया, टोक भैया तुम नृत्य कला में होशियार, मुझे नाचना सिखाओगे? आज ही आए हो और आज ही मेरे को टोक भैया बोलते हो? सीखना हो तो गुरुजी बोलना चाहिए, समझे? बोले गुरुजी आप सिखा दो। अब देखो कृष्ण की सरलता, आप अल्लाह को ऐसा नहीं सुना सकते, गॉड को ऐसा नहीं सुना सकते, लेकिन अपने प्यारे को सुनाने में आपको कोई फर्क नहीं और कोई प्यारे की नाराजी नहीं। तुम कितने भाग्यशाली हो। हरि ओम 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 प्रभु जी ओम ओम, प्यारे जी ओम ओम, मेरे जी ओम ओम, लाला जी ओम ओम, दाता जी ओम 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 ओम, हरि ओम 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 ओम, रामा जी ओम ओम, श्यामा जी ओम ओम, शिवा जी ओम 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 ओम, हरि ओम 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 ओम, हरि ओम 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 प्रभु ओम ओम, प्यारे ओम ओम, मेरे ओम ओम। नारायण नारायण नारायण। जरा सा ये रहस्यमय बात सुनकर फिर मैं आपको भोजन छाजन के लिए, आम का रस भी आपका इंतजार कर रहा है, उसके लिए छुट्टी करूंगा। और बैठे बैठे तुमको एक प्रसादी मिले ऐसी बात भी मैं व्यवस्था जमा रहा हूं। बैठे बैठे हरड़ रसायन बटे ऐसी व्यवस्था अहमदाबाद के साधक और सूरत इधर के इंदौर के साधक जमा लो। तो को बोला गुरु महाराज तुम मुझे सिखाओ। बोले देखो कन्हैया जैसा मैं पंजा मारूं तो पंजा, एड़ी मारूं तो एड़ी, हाथ का मुद्रा ऐसा करूं तो ऐसा, ऐसा करूं तो ऐसा, जब ऐसा करूं तो तुम ऐसा नहीं कर देना, अब मैं ऐसा करूं तो तुम ऐसा नहीं करना, गड़बड़ करी तो मैं तो हूं, देख लो मेरी थप्पड़। यहां देखो श्री कृष्ण के अवतार की उदारता, जन्म कर्म च मे दिव्यम, इतना बड़ा आदमी और ये दो पैसे का तुक का बच्चा क्या समझता है? निकालते ही चतुर्भुजी रूप का संकल्प हो जाते, घुमाते सुदर्शन पाहिमाम करा देते। नहीं नहीं, श्री कृष्ण का बड़प्पन अभी देखो आप। समर्थ होते हुए भी सामर्थ्य को पचाकर सामान्य व्यक्ति के साथ सामान्य आचरण करे, यही उसकी शोभा है जयराम जी की। तो आप भगवान के जन्म और कर्म को देखोगे तो आपके अंदर भी भगवती शोभा लहराने लगेगी। नारायण हरि बोलो ना, नारायण हरि नारायण। नृत्य करते कराते कृष्ण ने जानबूझ के अथवा अनजाने में 19-20 हो गई और टोक ने जमा दी, जमा दी। तो कृष्ण के प्रति आदर तो सभी को था, प्रेमी थे, आकर्षणी शक्ति थी, जो आत्मा में जगते उनमें आकर्षणी शक्ति आ ही जाती। सारे गोप खिलाफ हो गए, इनकलाब जिंदाबाद, टोक मुर्दाबाद, सारे जीवन की कमाई, दाद बाप दादे की परंपरा, यशस्वी परिवार सारा मिटिया में। और श्री कृष्ण भी प्रशंसकों के बीच जा बैठे, तो के आम की हवा निकली, थोड़ी देर हवा निकलने दो। अब ध्यान देना है, खूब जरूरी पॉइंट आ रही। तो के पैरों तले से धरती निकल गई,
लेकिन टोक ने दूसरी क्षण संभाला कि गुरु दीक्षा के समय गुरु ने कहा कैसी भी परिस्थितियां आए वो सदा एक जैसी नहीं रहती। आई हुई परिस्थिति जिस आते समय जितनी भयानक होती है थोड़े समय के बाद उतनी उसकी भयानकता नहीं रहती। विघ्न बाधा कष्ट कुछ भी आए और उस समय भयानक परिस्थिति आई तो उतावले होकर निर्णय नहीं लेना चाहिए, विश्रांति योग करना चाहिए, ध्यान देना। अब विश्रांति योग क्या है? कर्म और जन्म की दिव्यता कराने वाला। बड़ी उंगली और अंगूठा इन दोनों के मेल से आपके शिव नेत्र के तरफ स्पंदन पहुंचाने वाली नाड़ी को स्पर्श हो गया हल्का सा और अनामिका शिव नेत्र पर आ गई तो शांत हो गए। श्वास अंदर जा रहा है उसको देख रहे हैं। ओमकार स्वरूप अंतर्यामी ईश्वर से एकाकार हो रहे, श्वास बाहर गया उसको गिन रहे। आप भी करो थोड़ा, इससे आपकी कई गुत्थियां खोलने की ऊर्जा जागृत होगी और कई जहर के प्याले अमृतमय बनाकर आप पचाने में समर्थ होंगे। पूतना का जहर पचाने वाले कृष्ण के इस प्रसंग से आपके जीवन में और कर्मों में दिव्यता लाने की कुंजी पकड़ लो। श्वास को देखने से श्वास तालबद्ध चलते हैं। बेताल के श्वास एक मिनट में 15 खर्च होते हैं और तालबद्ध श्वास एक मिनट में 11-12 ही खर्च में आते, 20% आयुष्य लंबी हो जाएगी अगर श्वास तालबद्ध हो गया तो। श्वास तालबद्ध हो गया तो मन शांत होगा और शांत मन अंतर आत्म चैतन्य का ज्ञान और साफल्य की ऊर्जा से संपन्न हो गया। तो जो निराशा की खाई में गिर गए थे आशा का किरण फूटा। ब्रह्मा जी समाधिस्थ होकर सृष्टि करने का संकल्प साकार करते, भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी से लेकर प्रबोधनी एकादशी तक जिस परमेश्वर में शांत होते हैं उस आत्म परमेश्वर में तोक को गुरु मंत्र की दीक्षा के समय जो युक्ति मिली थी मजबूरी के समय वो युक्ति का उपयोग करने का अवसर आया। जब दुख विघ्न बाधा है तो लोग अपने को कोसने के मेरा कोई दुर्भाग्य है, नहीं नहीं उस समय ज्यादा सौभाग्य है कि तुम्हारी सुषुप्त शक्तियां जगाने की, सूझबूझ जगाने की और संयम बढ़ाने की, विवेक और वैराग्य जगाने की एक सुंदर व्यवस्था है भगवान की। इसको अपना पाप का फल अथवा शत्रु की साजिश अथवा मुसीबत अथवा मैं अभागा हूं ऐसा करके अपने को कोसिए मत। सुखम वा यदि वा दुखम सयोगी परमो मता, सुखद अवस्था है चाहे दुखद अवस्था है वो योगी मुझ में विश्रांति पाता है वो परम योगी है। भगवान की बात को आत्मसात करना है। तोक शांत हुए, तोक के बुद्धि में ज्ञान और प्रेम का संचार हो गया। जहां ज्ञान संयुक्त प्रेम है और प्रेम संयुक्त ज्ञान है वहां शत्रु भी मित्र होते हैं। तो श्री कृष्ण तो प्राणी मात्र के पहले से ही मित्र थे, अभी भी हैं, बाद में भी रहेंगे। तोक चला और कृष्ण के गले में हाथ डाला। लाला मैंने तो को कहो थो कि गलती करोगे तो तोक की थप्पड़ है। राजा गलती करे और मंत्री अगर कुछ न कहे खुशामत करे तो राज्य का खतरा बढ़ जाएगा। मरीज अगर मन चाहा करे और वैद्य उससे न टोके तो मरीज के लिए मुसीबत हो जाएगी। शिष्य अगर गलती करता और गुरु उसे न टोके केवल उसको उसकी खुशामत करे तो शिष्य का विकास का गला घोट जाएगा। तो तुमने गलती की और मैंने तुमको टोका और कर दिया तो मैंने क्या गलती की? गुरु अपना कर्तव्य निभाए तो कन्हैया राजी हो कि नाराज हो जाए? कन्हैया बोलता राजी हो
आप राजी हैं कि नाराज हैं? राजी हूं। तो पूरा माहौल जो तोक मुर्दाबाद इनकलाब जिंदाबाद पूरे माहौल की हवा निकल गई। तो कहते कि कन्हैया जिससे कुछ सीखा जाता है उसको गुरु माना जाता है। बोले हाँ, तो गुरु का डांट अथवा टोकना या थप्पड़ बुरी नहीं माननी चाहिए? बोले नहीं माननी चाहिए। तो गुरु का कहना मानना चाहिए कि मानना चाहिए? आओ चलो मेरे साथ नाचो। चल पड़े नाचने को। कैसे नाचे वो कभी मौका मिलेगा, आज शाम को या कल मैं तुमको दिखाऊंगा। अभी तुम्हारे लिए हरड़ रसायन प्रसाद लाया हूं। मैं 5-7 दिन आपको हलवा पूरी आदि व्यंजनों से तृप्त कारक भोजन कराऊं, तभी भी आपके स्वास्थ्य की इतनी सेवा नहीं कर पाऊंगा जितना वो हरड़ माता करेगी। हरड़ को धात्री का, जैसे माँ का दूध और वात्सल्य बच्चे के लिए पोषक तत्व और भावना और रसमय चित्त करने के लिए पर्याप्त है, ऐसे ही वो हरड़ रसायन 15-15 टेबलेट के छोटे छोटे पैकेट बनवाए और सत्संग में बांटते। अभी आपको बैठे बैठे वो पैकेट मिलेंगे, छोटे से हैं। 2 गोली रोज शाम को चूस लेना। तो दिन भर का जो भोजन है उसको हरड़ रसायन रसमय बनाकर आपको पौष्टिक तत्व आपकी कोशिकाओं को मजबूत करेगी। अंग्रेजी दवाओं से पेन किलर से पेन तो मरता नहीं, पेन की खबर देने वाली कोशिकाएं मर जाती, लेकिन ये हरड़ रसायन कोशिकाओं को जन्म देगी। तो मुझे ये कहने में संकोच नहीं होता कि मैं आपको बिठाकर जमाऊं 2-5 दिन अच्छे व्यंजन, फिर भी आपके स्वास्थ्य की मैं सेवा ऐसी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अभी सीजन सादा भोजन करने की है। इस सीजन में गर्मी में कभी दही नहीं लेना, ध्यान से सुनना कैलाश, दही का परित्याग करना चाहिए, नहीं तो वो ट्यूमर बनाती, बाईपास सर्जरी को बुलाती। मेरे सत्संगी चाहे दीक्षा लिए हो चाहे नहीं लिए हो, कभी बाईपास सर्जरी नहीं कराना है किसी भी कीमत पे। बाईपास सर्जरी नो, नेवर। हाई बीपी, हार्ट अटैक, लो बीपी के पचड़े में नहीं पड़ना है। अपेंडिक्स का ऑपरेशन नहीं कराना है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं कराना है, और बच्चे को जन्म देते समय सीजरेन माइनर ऑपरेशन मेजर ऑपरेशन नहीं कराना है। गाय के गोबर का रस 10-12 मिलीग्राम दे दो प्रसूति वाली देवी को, आधा घंटे 1 घंटे में आराम से प्रसूति होगी। डॉक्टर बोलते हैं जल्दी से साइन करो, बिना सीजरन के दोनों मरेंगे, सीजरन करोगे तो माँ बचेगी या तो बच्चा बचेगा, जो बचेगा वो मेंटली रिटायर होगा। गोधरा के रेवाचंद तेल वाले ने कहा नहीं, गोधरा से बड़ौदा गए, बड़ौदा के डॉक्टरों ने भी यही कहा, फिर अहमदाबाद के बड़े बड़े डॉक्टरों का गुट चेक करके बोला कि जल्दी से पेपर साइन करो, सीजरन के बिना दोनों जाने जाएगी। वो समिति में था तो मेरे तक खबर पहुंची, मैं क्या सीजरन नहीं कराना है। गाय के गोबर का, देसी गाय के गोबर का 10-12 मिलीग्राम रस भगवान नाम जप करके 21 बार दे दो। बोले बापू, बापू शब्द उन्होंने बोला न बोला, ये मेरी क्षति होगी। वो बोलते हैं कि अहमदाबाद के डॉक्टर सुमन शाह और डॉक्टर फलाना और प्रसिद्ध डॉक्टर हाथी साहब ने भी कहा है। मैं क्या हाथी साहब कहे चाहे गधा साहब कहे, लेकिन अभी तो बापू की बात पक्की मानो, यही करना है। मैंने भी अपना वीटो पावर चलाया। गोधरा अनजाना नहीं है, आज भी जाकर फोन करके भी पूछ सकते हो। वो बच्ची भी जो की त्यों जन्मी, माँ भी जो की त्यों ठीक ठाक है, दूसरी बच्ची का जन्म हुआ, अभी तीसरे भाई का भी जन्म हुआ। तो जो अंग्रेजी पढ़ाई पढ़कर MBBS या MD हो जाते हैं, उन बेचारों को ऐसे संस्कार होते हैं वहां के ठंडे मुल्क के, उस वहीं का रिसर्च है, वो प्रैक्टिस हमारे देश में करते। बोले आप फैटी हो रहे तो गेहूं खाना बंद करो, ज्वार की रोटी खाओ, दूध आखा दूध मत पियो, सेपरेट पियो, क्रीम निकलवाया।
बोले कमजोरी हो गई है तो बोले अंडा खाओ, जय हम देखें। अरे गाय के दूध में फैट, गाय के घी में फैटी बनाने की वो गड़बड़ी होती नहीं है, और फैट कंट्रोल करने के कई तरीके हैं, लेकिन दूध में से फैट निकाल दो, गेहूं फैट बिना का अनाज खाओ, फैट बिना का ये करो, फिर भी कई विदेश में लोग फैटी हैं, हाथी जैसे बड़ी बड़ी है, 150-200 किलो के लोग मिलेंगे। फैट कंट्रोल करना है तो एक गिलास गुनगुना पानी, 25 तुलसी के पत्तों का रस और एक नींबू नीचो के डाल दो, कभी आपको ट्यूमर नहीं होगा, बाईपास सर्जरी नहीं कराना पड़ेगा, कैंसर का तो सवाल ही नहीं, ब्रेन ट्यूमर अथवा और ट्यूमर नहीं होगा, बहुत सारी बीमारी आपके अनजाने में ही नींबू और तुलसी का रस शोधक है, शोध खोज खोज के दोषों को निकाल देगा, और हरड़ रसायन पोषक और शोधक दोनों है। तो बैठे बैठे हरड़ रसायन के पैकेट बांटने की तैयारी करो, ये गर्मी के दिनों में मौका मिले तो पलाश के फूल लेकर उनको रगड़ो, और वो पलाश के फूल में फिर शक्कर मिलाकर पानी मिलाकर शरबत बनाओ, कैसे भी तुम शरबत पीते हो वो इतनी गर्मी नहीं हारते जितना पलाश के फूलों की। किसी समिति ने बनाए पलाश के फूलों का शरबत, अभी स्टॉल पर है, गिना गिनाया जो लोग दूर के हैं उनको मिल जाएगा। आंवले का शरबत भी बनाया किसी समिति ने, तो ये गर्मी को हारते हैं। और नंगे सिर धूप में घूमने से बचो, गर्मी में 6 चीजें भूल कर भी न करें, अति जागरण न करें, अति भारी भोजन न करें, अति व्यायाम न करें, अति परिश्रम न करें, और अति संसारी व्यवहार पति पत्नी का आदि से परहेज करें, क्योंकि सूर्य के सीधे किरण होने से हमारे शरीर का बल शोषित हो जाता है, गर्मियों के दिन में पाचन कमजोर रहता है, इसलिए भारी खुराक खाने से शरीर पकड़ा पकड़ा रहेगा। ये जो नौरते आते हैं ना, नवरात्रि के शुद्धिकरण कर देते, और मौन से शक्ति बढ़ती है, मानसिक मौन से सिद्धि सिद्धियां होती है, वाचिक मौन से शक्तियां बढ़ती है, इरादे पक्के होते हैं, और मनोबल बढ़ाना है तो कुछ भी छोटा मोटा अच्छा कार्य ठान लो और उसको पूरा करो, फिर ठान लो पूरा करो, ठान लो पूरा करो, मनोबल बढ़ जाएगा, संकल्प शक्ति का सामर्थ्य आपके अंदर लहराने लगेगा। बुद्धि बल बढ़ाना है तो आत्मज्ञानी महापुरुषों से मंत्र दीक्षा आदि लेकर 20-25 मिनट ओमकार का जप करें, आपका बुद्धि बल मनोबल आरोग्य बल ऐसा बढ़ेगा कि आपके पास कोई सत्ता नहीं है, कोई पद नहीं है, फिर भी आपके बुद्धि बल आरोग्य बल और प्रेम बल के आगे सत्ताधीश भी अपना भाग्य बना लेंगे, बिना किसी पद के अधिकार के भी आपके सारे पद और अधिकार ऐसे रहेंगे कि मानो जैसे राम जी की छाया राम जी के पीछे, कृष्ण जी की छाया कृष्ण के पीछे, साधारण की छाया साधारण के पीछे, और महान आत्मा की छाया महान उसके पीछे पीछे घूमेगी। कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। अभी आप यहाँ सुन रहे हैं रोहतक केबल SRTV वेबसाइट के द्वारा और जेड चैनल के द्वारा, BTV के द्वारा, BCN केबल के द्वारा, 7 स्टार केबल के द्वारा, DG के द्वारा, हाथरे केबल, इन केबल, डेन केबल महाराष्ट्र आदि के, वो सब देश भर में, शर्मा केबल और भी कई केबल है, और A to Z चैनल के द्वारा और वेबसाइट के द्वारा दुनिया के लोगों की निगाहें तुम्हारे इंदौर सत्संग पर टिकटिकी लगाए बैठी है। रशिया के लोग ये दीदार बाजी प्रभु राजी, अमेरिका भी इस कार्यक्रम को देख रहा है, जापान, इटली,
पोलैंड और जर्मनी के लोग भी इस सत्संग से जुड़े हैं। सिंगापुर, पाकिस्तान, नेपाल, ओमान, स्वीडन और बांग्लादेश भी इसमें भागीदार हो रहा है। डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, स्पेन, साउथ कोरिया, जहाँ जहाँ ये प्रोग्राम दिखाई दिया है जुड़े हैं लोग, वो इलेक्ट्रॉनिक स्लेट में यहाँ आया, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। कोरिया, श्रीलंका, पनामा, मॉरिशस, नेदरलैंड, न्यूजीलैंड, ग्रीस, आयरलैंड, इजराइल, चिली, अमेरिका से भी आगे वहाँ के भक्त आते अपने पास, फिनलैंड, फ्रांस, मलेशिया, हांगकांग, दुबई, घाना, टर्की, टर्क्स एंड कैक्स, आयरलैंड, थाईलैंड, कतर, सऊदी अरब, फिलीपाइंस, गुयाना, यूक्रेन, स्लोवाकिया, कोवीत, केन्या, अफ्रीका के लोग भी इंदौर के सत्संग का दीदार बाजी प्रभु राजी हो रहे हैं। गाम्बिया, जॉर्जिया, ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट, बेलारस, स्लोवेनिया और भी कई देश इस सत्संग से जुड़े हैं। और साथ साथ में रेखा बहन साध्वी बीड महाराष्ट्र में सत्संग कर रही है, उनको भी यहाँ से लाइन मिली है। तो बीड के लोग सब सावधानी से सुनना कि ये छह चीजों से परहेज करना, दही से परहेज करना, अति परिश्रम, अति जागरण, अति भोजन और संसारी व्यवहार आदि से परहेज करना, रात को जल्दी से सोना ठीक है, सुबह कहीं लान हो, घास मुगा हुआ हो तो नंगे पैर उस पर विचरण करना भी ठीक है। इन दिनों में नीम के पत्तों का रस अथवा नीम के पत्ते चबा के 25-30 एक काला मिर्च और फिर ऊपर से पानी पी ले, ये स्वास्थ्य के लिए जो षड रस चाहिए, पांच रस तो हम खाते पीते हैं, मीठा, खट्टा, खारा, तीखा, तुरा, लेकिन कड़वा रस कम से कम खाते हैं, इसलिए रोग प्रतिकारक शक्ति संतुलित नहीं रहती, जरा जरा बात में रोग आ जाते। तो ये होली के बाद के एक आध डेढ़ महीने के अंदर अंदर के आपको नमक कम खाना चाहिए कुछ दिन के लिए, और नीम के पत्ते अथवा नीम के फूल का रस आदि पान करना चाहिए। उसके साथ साथ आज तो आम का रस यहाँ बना है, अब कैसे बटेगा, कैसे पाओगे आप जानो। आम के रस से भी जो रस न बने ऐसा हरड रसायन के रस से बनेगा। छे माल्यार्पण, बैठे बैठे माल्यार्पण होने के बाद हरड रसायन बांटेंगे। चलो अलाउंसर। नारायण हरि, नारायण हरि, हरि ओम हरि। विश्व वंदनीय लोक लाडिले संत परम पूज्य श्री बापूजी के 71वें अवतरण दिवस के निमित्त इस भव्य आयोजन को लेकर न केवल मध्य प्रदेश बल्कि संपूर्ण विश्व में बसे हुए पूज्य बापूजी के करोड़ों करोड़ों साधकों का ध्यान आज इस इंदौर की ओर लगा हुआ है, और होगा भी क्यों नहीं। कमल के फूल चाहे पृथ्वी के किसी भी कोने पर क्यों न हो, उन सब का झुकाव तो एकमात्र सूरज की तरफ ही होगा। ठीक वैसे ही साधकों का शरीर चाहे किसी भी स्थान पर क्यों न रहता हो, पर उनका मन तो गुरुवर के श्री चरणों में ही रहता है। आज अवतरण दिवस है उन महापुरुष का जिन्होंने हम सबके हृदय में भक्ति का अवतरण कराया है। आज जन्म दिवस है उन प्राज्ञ पुरुष का जिन्होंने हमारे भीतर मनुष्यता का जन्म करवाया है। हम सबके लिए तो आज का दिन प्राणों से भी अधिक प्यारा है। कोटि जनों को ज्ञानामृत जो पिला रहे, मानव धर्म हमें नित बापू सिखा रहे, ब्रह्म ज्ञान से पूर्ण है जो शुचि महान, अवतरण दिवस हम आज उन्हीं का मना रहे। पूज्य बापू जी के 71वें अवतरण दिवस पर विश्व के समस्त साधकों को लाखों लाखों बधाई। आज नारंगी आई है, नारंगी भगवान की, बैठे बैठे वो भी बैठेगी। चलो और जो बोलने वाले हैं, बीजू कौन से नारायण साईं का सत्संग चल रहा है दिल्ली यमुना पार, और हजारों सत्संगी वहां नारायण साईं के सत्संग में
यहाँ की लाइन मिली तो ध्यान से सुनते होंगे, लाइन अभी देर से मिली तो सत्संग काफी छूट गया, फिर भी जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेतिमाम तत्वतः, इस बात पे सत्संग चला था। और भगवान के अवतार कई प्रकार के होते हैं, आवेश अवतार, प्रवेश अवतार, अंतर्यामी अवतार, अर्चना अवतार, आयुध अवतार, जैसे भगवान का सुदर्शन है या और भी आयुध है, उनमें भी अपनी चेतना और सामर्थ्य होता है। भगवान कहते हैं अजोपि सन अव्ययम् आत्मभूताज भूतानाम ईश्वरो अपि सन प्रकृतिम स्व अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। चौथे अध्याय का छठा श्लोक, मैं अजन्मा होते हुए भी तथा संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। भगवान ये एड्रेस क्यों बताते कि वास्तव में आप भी अज हैं, जन्म आपका नहीं होता, अष्टदा प्रकृति के शरीर का होता है, मृत्यु आपकी नहीं होनी है, ये अष्टदा प्रकृति के शरीर की मृत्यु होती है। तो भगवान बोलते मैं अज हूँ, माया को वश करता हूँ और तुम प्रकृति के अधीन हो जाते हो, अब तुम्हें प्रकृति की अधीनता छोड़नी है तो मुझे प्रीति पूर्वक जान लो, तो तुम और मैं वास्तविक तत्व एक ही है। गीता के चौथे अध्याय के छठे श्लोक में भगवान कहते हैं अजोपि सन अव्यय आत्मा, और दूसरे अध्याय के बीसवें श्लोक में कहते हैं न जायते म्रियते वा, मैं जन्मता भी नहीं हूँ मरता भी नहीं हूँ, जन्म और मृत्यु ये आकृतियों में होती है, जैसे सरोवर का पानी जो कहते हूँ हवा लगी तो लहरों का जन्म हुआ, तेज हवा लगी भंवरों का बुलबुलों का झाग का जन्म हुआ, वास्तव में पानी जो कहती हूँ ऐसे ही है जीवात्मा चैतन्य स्वरूप साक्षी, तू जो कहती हूँ है, अपने चित्त को दुख से मत मिला, विकारों से मत मिला, मुझ चैतन्य में जाकर अभी आप भी इसी समय तू मेरा हो जा। अवतार मुख्यतः मुख्यम तु तस्य कारुण्यम, अवतार का मुख्य क्या कारण होता है, करुणा परवश होकर, ईश्वर हिरणगर्भ विराट ये मौलिक अवतार है, ब्रह्मा विष्णु महेश ये गुणा अवतार है। शंकराचार्य जी कहते हैं कि जीव शिव जीव और जगत नहीं होगा तो ईश्वर को कौन जानेगा, कौन किसका ईश्वर बनेगा, ऐसे ये जीव है जगत है तो ईश्वर है, और जीव और जगत की गहराई में भी ईश्वर की सत्ता स्फूर्ति और चेतना है। जीव जगत धर्माधर उद्धार के लिए होते हैं, जीव है जगत है तो उसके उद्धार के लिए अवतार होता है। अवतरण में भी दो विभाग होते हैं, एक उपदेष्टा अवतरण होता है, दूसरा अनुष्ठाता अवतरण होता है। व्यास नारद और कपिल उपदेश अवतार भी है और अनुष्ठाता अवतार भी है, लेकिन भगवान राम का और कृष्ण का उपदेश अनुष्ठाता के सिवाय आराध्य स्वरूप संपर्क भी होता है। आराध्य वो अवतार की आराधना करके दिव्य शक्तियां और चमत्कार का एहसास कराने वाला भी अवतार होता है। इस प्रकार जमुना पार जो सुन रहे हैं उनको भी ये शुभकामनाएं कि भगवान करे कि हमारी प्रीति भगवान में लगे। भाविनी बहन बड़ौदा में सत्संग कर रही है, उनको भी लाइन मिली है। रेखा बहन के सत्संगियों को भी लाइन मिली है, नारायण साईं के सत्संगियों को भी लाइन मिली है। ये सारी लाइनें तुम्हारी परमात्मा से जुड़ जाए, यही आज के दिन भगवान को प्रार्थना है। ओ अब बैठे बैठे प्रसाद तो बटेगा, चलो अलाउंसर मेरे साधकों को बाईपास सर्जरी कभी नहीं कराना है, अहमदाबाद अथवा दिल्ली के वैद्य से फोन पे मार्गदर्शन लेके ब्लॉकेज खोल देना, एक बार बाईपास सर्जरी कराई तो वहां हो जाता है, इसलिए बचना। अपेंडिक्स का ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, हर अल्ट्रासाउंड चालू कर दो, बाद पश्चिम उत्तानासन करो, अपेंडिक्स अपने आप ठीक होता है। हरिओम हरिओम। अब मैं
रेलगाड़ी में बैठूंगा और हरड़ रसायन प्रसाद बांटने वाले, संतरे का प्रसाद बांटने वाले अपना मोर्चा संभालने की तैयारी करो, रेलगाड़ी जल्दी से आ जाए। वो रेलगाड़ी आए उसके पहले आप अपनी जगह नहीं छोड़ोगे, बैठ जा। ओम हरि ओम। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे ज्ञान में, ध्यान से सुनना एक दो बात। बच्चों के लिए 5 से 25 और बड़ों के लिए 25 से 100 तुलसी के पत्तों का रस और थोड़ा सा नींबू और पानी पिए, कैसी भी बीमारी हो 2-3 महीने के अंदर कोई भी बीमारी हो भाग जाए। और गर्मी से बचना हो, आंखें जलती हो तो बाहें नाक से सांस ले और 1.25 मिनट रोक के दाहें नाक से छोड़ दे, ऐसा 3 बार करें। कैसी भी लू और कैसी भी तपन हो आपको नहीं तपाए। एलोवेरा कुमार पाठा आपको कभी कभी उसका जूस ले लेना चाहिए, बाजारों नहीं, पॉजिटिव पड़ता है, लीवर को खराब करेगा। अपने यहाँ होता है, कई घरों में भी होता है, 100-150 ग्राम कुमार पाठा घुमा के पी लिया तो जो कफ और पित्त की छोटी मोटी गांठें शरीर में छुपी है वो विदाई हो जाएंगी। पलाश के फूलों जहां हरड़ रसायन बांटना शुरू कर दो, तेजी से बांटो आगे। के लिए वरदान है, आशीर्वाद है, जो ज्यादा सेवा करते हैं। जिनको मिल गया प्रसाद वे हाथ ऊपर करो, ठीक। अब जिनको नहीं मिला और बांटने वाला खिसक गया है तो हाथ ऊपर रखना, बांटने वाला नजर घुमाना, जहां चुक हो गई वहां फिर पहुंच जाना। बच्चों को नहीं देना, बच्चों के लिए अंगूर, संतरे और दूसरे आम का रस आदि प्रसादी है सभी के लिए। संतरे जितने लोगों को मिलेंगे, संतरे आम का रस और बच्चों के लिए भी प्रसादी अलग से बांटना चालू करो। आप अपनी जगह पे बैठे रहना तो प्रसाद बांटने वालों को सुविधा होगी, और प्रसाद बांटने वाले जो रेलगाड़ी के मुंह में पड़ के आगे की लाइन में बैठे उधर जाना ही मत। रेलगाड़ी के देखने के चक्कर में जो आगे आते हैं उधर प्रसाद बांटना ही मत, जो खुले खुले बैठे हैं चलने की जगह हो वहीं जाना। अब 2 मिनट के लिए भगवत प्रीति और भगवत विश्रांति का ध्यान करो। पहली उंगली अंगूठे के नीचे, 3 उंगली सीधी। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओंकार मंत्र गायत्री छंद परमात्मा ऋषि अंतर्यामी देवता अंतर्यामी प्रीति अर्थे जपे विनियोग। ये ओंकार मंत्र है, इसकी छंद गायत्री है, इसकी शक्तियों की खोज करने वाले भगवान आदि नारायण है, अर्थात आदि नारायण के पहले ही ओंकार की महिमा थी, और इसके देवता है अंतर्यामी प्रभु। होठों से 1-2 मिनट जप करो।
ओम 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 प्रभु जी ओम प्यारे जी ओम मेरे जी ओम 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 प्रीति पूर्वक भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमा भूप्यान्ति ते ओम 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 अब प्यार से कंठ से जपो ओम स्वरूप अंतर्यामी मेरे प्रभु आनंद और मधुरता विकसित होने लगे कन्हैया कहता है यशोदा जी मैया तुम मेरी हो बोले कृष्ण बोलते अनजाने में माँ बैठे ओम का गुंजन करते फिर कृष्ण यशोदा मैया के कान में फूंक मारते यशोदा माँ की अहम की पार टूट जाती जीव जीव नहीं रहता ईश्वर ईश्वर नहीं दोनों में ब्रह्मानंद प्रकट हो जाता है आनंद ओम ओम आगे वाले हाथ ऊपर मत करना अपनी जगह नहीं छोड़ना आनंद हंसी आएगी माधुर्य उभरेगा भीतरी भीतर हंसते जाओ हम तुम्हारे तुम हमारे बिन फेरे प्रभु जी हम तेरे आंबा की डाल में फंसी चुनरिया जोगी ने आन छुड़ाई आंबा क्या है संसार आंबा है भगवान और गुरु हमारे जोगी है और चुनरिया क्या है बुद्धि है और उन्होंने छुड़ाई संसार की आसक्ति बुद्धि से अब तो ओम आनंद ओम माधुर्य ओम प्रभु जी ओम प्यारे जी ओम आत्मदेवा ओम गुरुदेवा ओम आनंद स्वरूपा ओम 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 आनंद देवा ओम ध्यान मत करना प्यार करना है भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम जो मुझे प्रीति पूर्वक भजते हैं उनको मैं बुद्धि योग देता हूं बुद्धि तो बुद्धि जीवों के पास भी है मच्छर में भी बुद्धि होती है यूं पकड़ते और ठुंगा दिखा के भाग जाता है ऐसी अक्कल मच्छर कहां से लाया संसारी बुद्धि का कोई विशेष महत्व नहीं है बुद्धिजीवी होने का महत्व नहीं बुद्धि योगी होने की बड़ी महिमा है आज बुद्धि योगी होने का अपना जन्म कर्म दिव्य बनाने का संकल्प करो ओम ओम कर्म के फल की लोलुपता छोड़ दी तो कर्म दिव्य हो जाएंगे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कर्म करते तो कर्म दिव्य हो गए और शरीर मैं हूं संसार सच्चा है तो ये तुच्छ बुद्धि है मैं इस शरीर की बदलाहट को जानने वाला हूं दुख सुख को जानने वाला हूं बीमारी और तंदुरुस्ती से प्यार ने आ रहा हूं और अपने आत्मरूप से प्यार हूं ऐसा जानना दिव्य कर्म जन्म हो गया अपने दिव्य चरणों की स्मृति करो और अपने दिव्य कर्मों की दिशा बना लो मौज हो गई फिर आपका भी अवतरण ही है ओम ओम आनंद हृदय पूर्वक अपनी जगह नहीं छोड़ना बहुत विशेष लाभ होगा बैठे रहना हृदय पूर्वक ओम ओम आनंद ओम शांति ओम प्रसाद बांटने वाले लोग छू मंत्र जुगाड़ अगर बैठे बैठे होता है तो नहीं तो फिर दूसरे जैसे भी वो भी तैयार रखो
और आम के रस का भी जुगाड़ तैयार रखो। अभी रेलगाड़ी चलेगी, उसके पहले परमात्मा गाड़ी में बैठो। ओम आनंद, ओम माधुर्य, ओम प्रभु जी। नजरों से वे निहाल हो जाते जो संतों की नजरों में आ जाते। भगवान और भगवत प्राप्त महापुरुषों की नजरों से आध्यात्मिक खुरा बरसती, उनको छूकर फैलने वाली हवा भी उनके शुभ अनुभव के स्पंदन देती। इसीलिए बोलते साधु नाम दर्शनम पातकनाश। 60,000 वर्ष की तपस्या करने वाला हिरणाकश्यप सोने की हिरणपुर बनाने में तो सफल गया, लेकिन शबरी भीलन के आगे हिरणाकश्यप की सोने की हिरणपुर भी बेकार, सोने की लंका रावण की भी विफल हो गई। आत्मसंतोष सदगुरु की कृपा से ही मिलता है, सोने की लंका से नहीं मिलता। आत्मसंतोष नहीं है तो मंदोदरी और कई नर्तकियां कई सुंदरियां होने पर भी रावण फिसलता ही गया। हिरणाकश्यप अहम में तो वो कामना में, लेकिन जो भगवान के प्यारे संतों का सत्संग करता सुनता है वे काम राम में और अपना जीवत्व ईश्वर में, अपने कर्म को कर्म योग और भक्ति को भक्ति योग, ज्ञान को ज्ञान योग बनाकर सफल हो जाता है। इसीलिए सत्संग की बड़ी भारी महिमा है। भगवान शिव जी पार्वती को अगस्त ऋषि के आश्रम में ले जाते सत्संग सुनने को, भगवान राम जी सीता जी को वशिष्ठ के चरणों में ले जाते, और 14 वर्ष के वनवास के दिनों में भी श्री रामचंद्र जी भरद्वाज आश्रम में ज्यादा समय रुकते, सत्संग मिलता है। अत्रि, अंगीरा, अनुष्या आदि आश्रमों में जाते हैं, सीता जी को अनुष्या के साथ सत्संग करने की प्रेरणा लेते। सत्संग बहुत महत्व चीज है, महत्वपूर्ण। 60,000 वर्ष तपस्या अथवा सोने की लंका का इतना महत्व नहीं जितना शबरी भीलन के जीवन में सत्संग के महत्व का प्रकाश हुआ। मेरे जीवन में कुछ भी आ जाता लेकिन सतगुरु के सत्संग के आगे सब कुछ न गए। जन्म मृत्यु जरा व्याधि से दूर तत्व जो है वो सत्संग के द्वारा पाया जाता है, जाना जाता है। हृदय पूर्वक अभी तो बापू का जन्म दिवस शुरू हुआ, अभी तो बबलू है, करो और क्या है। अभी अभी तो जन्म कराया तुमने, 92 वर्ष का, तो करो और क्या करे। आनंद आएगा। कहीं कहीं तो बच्चों का जन्म होता है ना तो परिवार वाले रिश्तेदार वाले तो मिठाइयां खाते और वो बच्चा रोता है, लेकिन यहाँ बच्चा रोता नहीं, वो भी हंसता है और आपको भी हंसाता है। अब रेलगाड़ी चलेगी, जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में, अब है ना माया, ऐसा है तुम्हारे पास, ऐसा है, देखती रहो, है हाय, ऐसी दाढ़ी है, आने वाली भी नहीं और मैं देने वाला भी नहीं, फिर क्या करोगे, उदास हो जाओगे? नहीं, ऐसे वस्त्र आभूषण जिसके पास है, ऐसी दाढ़ी जिसके पास है, वो बापू हमारे हैं, बस हो गया काम। बापू ओ बो 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 इतना सारा हो जा, बस करो ना, बस हो गया,
अभी अभी बबलू का जन्म इतना बोझा है। हम भक्तों का हित करने को लिया अवतार इन्होंने, हम भक्तों का हित करने को लिया अवतार इन्होंने, आ जाए वो खुशियाँ सारी दर्श पाया जिन्होंने, आ जाए वो खुशियाँ सारी दर्श पाया जिन्होंने। ओए होए जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। बांटे हैं रहमत के खजाने भर भर के भक्तों को, बांटे हैं रहमत के खजाने भर भर के भक्तों को, जोगी के रूप में हमने पाया धरा पे ही है रब को, जोगी के रूप में हमने पाया धरा पे ही है रब को। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। नहीं ऐसा जो इनके सत्संग में, तीनों लोगों में सुख नहीं ऐसा जो इनके सत्संग में, इनसे मिला है स्नेह प्यार जो कहीं न पूरे जग में, इनसे मिला मिले क्या जादू है तुम्हारे जान में, जोगी है क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। धरा पर आए जोगी मंगल घड़ियाँ आई, आज धरा पर आए जोगी मंगल घड़ियाँ आई, जोगी के अवतरण दिवस की सबको खूब बधाई, जोगी के अवतरण दिवस की सबको खूब बधाई। जोगी रे क्या रसायन मिल गया प्रसाद, जिनको प्रसाद मिला है हाथ ऊपर करो, ठीक है दो दो गोली चूसना है शाम को अथवा सुबह खाली पेट, ये पांच छह दिन भोजन के बीच थोड़ा थोड़ा पानी पीना, शरीर में जो भी गड़बड़ होगी बाहर निकल जाएगी, तुलसी के पत्ते सुबह सात और शाम को ये दो तीन गोली, बहुत सारी बीमारियां बाहर निकाल दे। चलो रेलगाड़ी फास्ट कर देवे, चलो सुपर फास्ट
आओ। गाड़ी मऊ जा रही है, मौज हो रही है, मजे में हो। ऐसी रेलगाड़ी मैंने तो कहीं देखी नहीं थी। आपने देखी कहीं? इंदौर में है, पूरी दुनिया में ये रेलगाड़ी एक ही है। अब देखो चलेगी। गाड़ी चल ही रहे, चलिए अभी थोड़ी देर में चालू होगा। बैठ जाओ, बैठ जाओ। गाड़ी चली रे गुरुद्वार। गाड़ी गाड़ी चली है गुरु के दरबार में, ऐसा सुख ना है पूरे संसार में। गाड़ी चली है गुरु के दरबार में, ऐसा सुख ना है पूरे संसार में। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि।
किस्मत हो बिगड़ी हुई यहाँ सवरे किस्मत दिव्य ज्योति है ये अंधकार में गाड़ी चली है गुरु के दरबार दिव्य ज्योति है ये अंधकार में गाड़ी चली है गुरु के दरबार में इनका दर्शन जिसने पाया
जो भगाया प्रसाद बांटने वाले नारंगी का प्रसाद बांटना शुरू करो तेजी से। नारंगी बड़ा फायदा करती है, पेट साफ ना आता हो तो नारंगी के रस में पानी मिला के पियो पेट साफ। बच्चे कमजोर हो, गर्भवती कमजोर हो, नारंगी का रस दो, बलवान हो जाएंगे। ए विटामिन, बी विटामिन तो है, सी विटामिन नारंगी में काफी है। नारंगी खट्टी हो तो खांसी कफ वालों को नहीं खाना चाहिए, भोजन के तुरंत नारंगी नहीं खाना चाहिए, लेकिन अभी भोजन के पहले खा लें अच्छा रहेगा। नारंगी बांटने वाले अगर बांट सकते हैं संचालक लोग तो यहाँ बैठे बैठे अभी दो या शाम को जैसे भी हो, लेकिन भोजन के तुरंत बाद नारंगी नहीं। नारंगी पुष्टिदायी है, कुपोषण से बच्चों को तकलीफ है उनको नारंगी खिलाओ एक दो रोज, बढ़िया होगा। नारंगी के छिलते खुदरे होते हैं वो मीठी होती है, साफ छिलते होते हैं वो जरा खटमीठी होती है। रेलगाड़ी चल रही है। माऊ इंदौर झाबुआ, झाबुआ नहीं आएगा, रतलाम बड़नगर कैलाश विजय वगरी वर्गी के एरिया, विजय वर्गी के एरिया में तो गाड़ी चल रही है। हाँ वो भाई ये ड्राइवर तेज है, रुकते नहीं ज्यादा। नारंगी बांटने का जुगाड़ अभी हो रहा है कि शाम को करोगे? आम का रस, नारंगी, ये प्रसादी है। अभी गाड़ी अपने घर की गाड़ी है, कहीं भी रोको कभी भी फास्ट भगाओ, देखो अब फास्ट भगाएगी, फास्ट लोकल बनाओ, फास्ट बनाओ। अभी स्लो कर दो, रोक दो, घर की गाड़ी है, घर की गाड़ी है, रोक दी, सरकारी गाड़ी नहीं है, बापू की गाड़ी है। मल्टीपर्पज ड्राइवर, मल्टीपर्पज गाड़ी, स्लो स्पीड कंट्रोल। नो एक्सीडेंट। और क्या हाल चाल है? आनंद है। 15 मिनट रोज अपने इष्ट देवता के सामने एक टक देखते हुए गुंजन करें, ओम जितनी देर उच्चारण उतनी देर चुप, कर्म और जन्म दिव्य हो जाएगा, बिल्कुल सरल उपाय। ओम तम नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। ओम मधुर शांति, परमात्मा शांति, ओम शांति। अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत को सुख कहां, शांतस्य कुतः दुखम। जिसने परमात्मा शांति का रास्ता पाया उसको दुख कहां, दुष्ट है
दुष्ट वृत्ति दुख देती है, सुखद वृत्ति सुख देती है, लेकिन ये सुख और दुख की वृत्ति आती चली जाती, और जो इनका आधार है वो सदा मेरा आत्मदेव है। ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी। आत्म साक्षात्कार का इरादा कर लो, बीते हुए का शोक नहीं रहेगा, आने वाले का भय नहीं रहेगा, और वर्तमान में वर्गीकरण कर लोगे, कैलाश विजय वर्गी की नहीं, वर्गीकरण, ये जाने वाला है और ये देखने वाला है, दुख जाता है देखने वाला निराला, सुख जाता है, बचपन जाता है, जवानी जाती है, सफलताएं जाती, विफलताएं जाती, लेकिन अपना आपा कभी नहीं गया, जो कभी नहीं जाता वो अपना पिया है प्रभु। ओ उस प्रभु में टिक कर जो कर्म करता है उसके कर्म दिव्य हो जाते, उस प्रभु के नाते जो दूसरों के मंगल में लगता है उसका जन्म दिव्य हो जाता है। तो महापुरुषों का और भगवान का जयंतियां मनाने से हमें अपने कर्म और जन्म दिव्य बनाने का अवसर मिलता है। साठ हजार वर्ष की तपस्या की एकाग्रता तो आई, सोने की लंका तो बनी, लेकिन कर्म और जन्म दिव्य नहीं हुआ, रावण हार गया। शबर जाति में कुरूप कन्या शबरी भीलन, मतंग ऋषि का सत्संग मिला और सेवा मिली, जन्म और कर्म दिव्य हुआ, राम जी ने झूठे बैर खाए, इतिहास साक्षी है। आपकी तपस्या का मैं भगवान शिव जी के वचनों से स्वागत करता हूं, आपकी उदारता का, तपस्या का, सेवा का मैं शिव जी के वचनों के द्वारा अभिवादन करना चाहता हूं। शिव जी कहते हैं उनकी माता धन्य है, किसकी, जो गुरु के लिए श्रद्धा रखती। धन्य माता पिता धन्यो, धन्य माता पिता धन्यो, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, धन्या च वसुधा देवी, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः। धन्या माता, किसकी माता धन्य है, हमारी, किसके पिता धन्य है, हमारे, किसका कुल गोत्र धन्य है। प्रसाद जल्दी बांटो नारंगी वाले, बांटते जाओ बांटते जाओ, जल्दी जल्दी 100 फुट की दूरी पर एक एक सेवादारी लग जा, शाबाश है, बांटने वाले तेजी से बांटो। महिलाओं में क्यों नहीं तेजी हो रही है? एक जगह कचरा, तारंगी कहे, बने दूध को खोया, चलती को गाड़ी कहे, देख कबीरा रोया। गुलाब के फूल जब मिल जाए उसका उपयोग करके रख देना चाहिए, जितने फूल 3.5 गुना शक्कर मसल के रख दे, गुलकंद बनेगा। 10-5 ग्राम रोज खाए आए है गुलाब जैसा, मैं खाता हूँ ये फूल, जिसको भी दूंगा तो गुलकंद बनेंगे, ऐसे फेंकेंगे नहीं। गुरु का दिया फूल हाथ प्रसाद फेंकना नहीं चाहिए, वो तो अपने भाग्य को फेंकता, उसको संभाल कर सदुपयोग करना। अभी नारंगी भूख लगाएगी, खाली पेट भूख लगाएगी। तेजी से बांट रहे हैं, शाबाश है, जिनको मिला प्रसाद हाथ ऊपर करो, ठीक है, जो बीच में रह गया हो तो हाथ ऊपर करना, सेवाधारी नजर घुमाना, चारों तरफ बांटते जा, लेते आ लेते आ, बांटते जा। अरे नारंगी खत्म हो जाए तो अंगूर चालू कर दे, आमरस चालू कर दे, अरे इनके तो है सब, जरा सा देते इनको, लो भाई, हाँ गुलकंद बनेगा, हाँ जय 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 जन्मदिन।
जय जगाती विधायक के रहू विधायक राव से महू जाते तो रस्ते में रहू पड़ता है बापू का बना तो सही झूम झूम बराबर टॉपी नहीं हमारी पूरी तपस्या रमेश जी ने पूरा अच्छा एक कराटे वाली अनुभव है जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे ज्ञान में जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे ज्ञान में बड़ा है प्यारा जोगी हमारा मन भावन और पावन प्यारा जोगी हमारा मन भावन और पावन जब भी आए लगे है जैसे खुशियों का हो सावन नारायण नारायण ये बच्चे बाल संस्कार वाले बच्चे कवाली जमाएंगे जल्दी आ जाओ बच्चे बापू के बच्चे नहीं रहते कच्चे ये कुर्सी हटा दो और कवालों को बुलाओ बापू के बच्चे कवाल बन रहे हैं चलो कवालो हाँ जय हो जल्दी 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 कवालो जल्दी जल्दी शुरू करो कवाली कवालो एकदम फटाफट कवाल बापू के बच्चे नहीं रहते कच्चे कवाल ये कवालियां बोलेंगे बच्चे तुम नारंगियां को मनुष्य बनाओ आम के रस को मनुष्य बनाओ अंगूर को मनुष्य बनाओ काम में लग जाओ लगे ढोलक पे आटा लगे लगे ढोलक पे धक्का चले जल्दी प्रसाद तेजी से बांटते जाओ अरे कवाल जल्दी करो छप्पन भोग के थाल ऊपर लगे हैं चलो भगवान भावग्राही जनार्दना इन छप्पन भोगों को कर लेंगे फिर प्रसादी जल्दी नहीं कर रहे बच्चे तो मैं जाता हूँ कवाल जल्दी नहीं कवाली करेंगे तो मैं जा रहा हूँ अरे जल्दी करो कवाल बच्चे भगवान दिया है
अब सुरेश भैया आखिरी अपना उल्लासमय उद्गार वाकवी वाह ये कवाल कहाँ के हैं? इंदौर गुरुकुल के कवाल हैं। ठीक है जय हो गया चलो वापस कवाली अच्छी लगी बबलू बबलू ने बनाई है गाई है ये अपने गुरुकुल के बबलू हैं हे माँ महंगी माँ बड़ भागी तू जो ऐसो लाल जनायो हे माँ महंगी बाबा तू जो ऐसो लाल जगायो ऐसो लाल जनायो खुद ब्रह्म तेरे घर आयो ऐसो लाल ब्रह्म तेरे घर आयो हे माँ महंगी माँ बड़ भागी तू जो ऐसो लाल जनायो हे माँ महंगी माँ बड़ भागी तू जो ऐसो लाल जनायो योगी जिन को पकड़ न पाए योगी जिन को पकड़ न पाए तूने उंगली पकड़ चलायो रे माँ ब्रह्म तेरे घर आयो तूने उंगली पकड़ चलायो रे माँ ब्रह्म तेरे घर आयो रे माँ महंगी बाबड़ भागी तू जो ऐसो लाल जनायो रे माँ महंगी बाबड़ भागी तू जो ऐसो लाल जनायो गुरु बनायो रे माँ ब्रह्म तेरे घर आयो आशा गुरु बनायो रे माँ ब्रह्म तेरे घर आयो माँ महंगी बाबड़ भागी तू जो ऐसो लाल जनायो माँ महंगी बाबड़ भागी तू जो ऐसो लाल जनायो तूने सुख पहुँचायो रे माँ ब्रह्म तेरे घर आयो तूने सुख पहुँचायो रे माँ ब्रह्म तेरे घर आयो माँ महंगी बाबड़ भागी तू जो ऐसो लाल जनायो माँ महंगी बाबड़ भागी तू जो ऐसो लाल जनायो तेरे घर आयो हे माँ महंगी बाबड़ भागी तू जो ऐसो लाल जनायो हे माँ महंगी बाबड़ भागी तू जो ऐसो लाल जनायो हम न माता तुझ में तनिक था नरसेवा लक्ष्य बनायो रे माँ ब्रह्म तेरे घर आयो नरसेवा लक्ष्य
बनायो रे माँ ब्रह्म तेरे घर आयो रे माँ महंगी माँ बड़ भागी तू जो ऐसो लाल जनायो रे माँ महंगी माँ बड़ भागी तू जो ऐसो लाल जनायो सतगुरु हमें दिलायो रे माँ ब्रह्म तेरे घर आयो तुम सतगुरु हमें दिलायो रे माँ ब्रह्म तेरे घर आयो रे माँ महंगी बाबड़ भागी तू जो ऐसो लाल जनायो रे माँ महंगी बाबड़ भागी तू जो ऐसो लाल जनायो
ऐ तो लाल जनायो खुद ब्रह्म तेरे घर आयो माँ महंगी बाबर भागी तू जो है सो लाल जना माँ महंगी बाबर भागी तू जो है सो लाल जनायो दर्शन पायो रे माँ ब्रह्म तेरे घर आयो माँ महंगी बाबर भागी तू जो है सो लाल जनायो माँ महंगी बाबर भागी तू जो है सो लाल जनायो तू जो है सो लाल जनायो तूने सो लाल जनायो खुद ब्रह्म तेरे घर आयो खुद ब्रह्म तेरे घर आयो संदेशा दे रहा हूँ।